वहीं उत्तराखंड में काउंटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के तहत नैनीताल जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 4 जून को MBPG कॉलेज में 84 टेबल पर होगी। इस कार्य में 378 कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है। इनका रैंडमाइजेशन MBPG कॉलेज के ब्लॉक ए के भूतल में कराया गया है। बता दें कि एक विधानसभा क्षेत्र के 14 टेबल लगाई गई हैं। इनमें 13 टेबल में EVM और 1 टेबल में VVPAT पर्ची की मतगणना होगी और पोस्टल बैलेट की गिनती रुद्रपुर में होगी और वहीं रिजल्ट जारी होगा। इसको लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जानकारी साझा की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी काउंटिंग पर्सनल का जो रैंडमाइजेशन है सेकंड, वो हम लोगों ने किया है। विधानसभाएं अलॉट हुई है, उस रैंडमाइजेशन में सभी विधानसभाओं में 14-14 टेबल हमारी लगेंगी EVM काउंटिंग के लिए। उसके जो लिए जो भी कार्मिक लगाए जाने हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाने हैं और अन्य व्यवस्थाएं इत्यादि की जानी है, वो सारा काम पूर्ण हो गया है। यहाँ अंतिम चरण की तैयारियां जो है चल रही है और सभी नोडल ऑफिसर्स अपनी अपनी तैयारियों को फाइनल एक स्वरूप दे रहे हैं और ऑब्जर्वर साहब जो सभी ACs के लिए हमारे यहाँ आए हैं, वो भी आज उनको निरीक्षण करना है, तो वो भी काउंटिंग सेंटर का आज निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक सारी तैयारियां फिनिश कर लेंगे और कल समय से मतगणना आ रही है। ये ट्रैफिक का प्लान पुलिस ने एक जारी किया है जिसमें डाइवर्जन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है और जो कार्मिक है या एजेंट्स वगैरह हैं उनकी पार्किंग इत्यादि की जो प्लेसेस हैं उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो मेरी अपील है सभी लोग उसको फॉलो करेंगे तो जो इनकन्वीनियंस है, असुविधा है, वो कम से कम होगी।